जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महालेखाकार का जो प्रतिवेदन आया है उसमें पूर्व की सरकार की बहुत कमी खामियों का उल्लेख किया गया है और किस तरीके से पैसे का मिसयूज हुआ है उसकी भी बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन अभी तक मैंने रिपोर्ट को पूरे समग्र रूप से अध्ययन नहीं किया है। यदि आप इस पर यदि समग्र मुझसे बात करना चाहते हैं तो यदि आज के बजाय यदि कल आप बात करेंगे तो मैं एक एक बिंदुवार आपको सारे चीज़ों का जवाब दूंगा। लेकिन जो अभी इनिशियल जो प्राइमा फेसी जो हमने इसमें ध्यान केंद्रित किया है तो इससे पता चला है कि पैसे का बहुत मिसयूज हुआ, बहुत सारा ऐसा सामान है जिसको क्रय करने के बाद वो अभी तक जो है उसकी कोई उपयोगिता नहीं हुई है। तो बहुत तरीके से इसमें आई है बातों को, लेकिन मैं समग्र रूप से कल आपको बताऊंगा। कर्नाटका कोर्ट में हिजाब मामले को जो पिटीशन दायर किया था खारिज कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि देश में जब 2 करोड़ लोगों के रोजगार के इशू पर बात नहीं हो रही है, जब भ्रष्टाचार पर बात नहीं हो रही है, महंगाई को मौन कर दिया जा रहा है, स्विस बैंक का पैसा जो है 100 दिन में लाने की बात हो रही थी, नारी पर अत्याचार की बात हो रही थी, लोगों को रोजगार की बात हो रही थी, तो जो इशू थे इशू को गौन करके नॉन इशू को लाने के लिए इस तरह के भ्रामक उपाय किए जा रहे हैं जिससे जनता जो है गुमराह हो और गुमराह होने के बाद जो है लोग जो है पोलराइज हो जाएं। तो ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सब क्या मुद्दा है? ये बेसलेस मुद्दा है, इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब देखिए बुलडोजर तो निश्चित तौर पर बुलडोजर का मतलब ही हो गया है कि विध्वंसकारी मानसिकता है, ध्वस्त कर देना है। ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर ज्यादा उपयोगी है। तो जब लोकतंत्र को ही ध्वस्त कर दिया जा रहा है दिल्ली दरबार के द्वारा और ईवीएम को ही जो है हैक कर लिया जा रहा है तो फिर क्या है? ये सही कह रहे हैं वो लोग, उन गलत नहीं है। वो रह के कहते हैं ना, आपदा को अवसर, अवसर को उत्साह, उत्साह को उमंग, ये सब कहते हैं वो रह के। उनके पेट में इस तरह की दर्द होती है तो लोग कहते हैं कि बुलडोजर लाएंगे। अरे भाई, बुलडोजर आप ये कहिए कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करेंगे, आईपीसी सीआरपीसी मजबूत करेंगे, लोगों को न्यायालय के द्वारा कन्विक्ट कराएंगे, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप जो है संविधान सम्मत इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को तार तार करके किसी के घर में बुलडोजर चढ़ा दीजिए? अरे काम, जो काम न्यायालय का है न्यायालय करेगा, जो काम सदन का है सदन करेगा। सदन यदि देखेगा कि न्यायालय में किसी मामले में संशोधन करने की जरूरत है तो न्यायालय के कोई मामले में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, राज्य स्तर पर हमारा जो है ये मंदिर भी है। लेकिन आप इस तरह की विध्वंसकारी मानसिकता है कि हम बुलडोजर चलाएंगे और बुलडोजर से ध्वस्त करेंगे। तो भाई, ध्वस्त आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी ये सोच होगी, लेकिन हमारी तो ये सोच है कि हम लोग संविधान सम्मत काम करेंगे, न्यायालय में विश्वास करते हैं और न्यायालय में आईपीसी सीआरपीसी और मजबूत हो और कानून का राज हो, ये काम ये सरकार करेगी। मंत्री जी, एक मंत्री जी, आपने कश्मीर फाइल देखी है आज? कश्मीर फाइल मूवी जो देखी है आज सदन में, अमर लाहौरी ने सवाल उठाया, सरकार को इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, मैं पिक्चर कहाँ देखता हूँ। अभी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं प्रकाश झा जी, आदरणीय डायरेक्टर साहब हमसे मिलने आ रहे हैं हमारे घर में। तो अब पिक्चर हम क्या देखेंगे? हम खुद ही रियल हीरो हैं तो हम आर्टिफिशियल हीरो का क्यों देखेंगे पिक्चर? अभी आ रहे हैं प्रकाश झा जी, आ रहे हैं, अभी मेरे आवास में आ रहे हैं। अब देखिए जो इस हिंदुस्तान में ऐसी कविताएं हैं, ऐसी कहानी है, ऐसे संवाद हैं, ऐसे पिक्चर हैं जिनसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी, मानवता मजबूत होगी, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों से एक दूसरे में वैमनस्यता होगी, एक दूसरे में अशांति फैलेगी, उन चीज़ों का समापन होना चाहिए। अच्छा पन्ना जी, ये बीजेपी के विधायक
बताएं क्यों आपके नाम को लेकर और बादल पकड़ने को लेकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि कैबिनेट के दो मंत्री जा रहे हैं। अरे तो जा रहे हैं, माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ क्यों आ रहा है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, नाव मेरी नाविक मैं मंजिल मेरा सब कुछ, तो उनको दर्द क्यों, पेट में दर्द क्यों होता है। अरे मैंने तो 20 बार कहा है कि हमारे लिए माँ भारती पहले है, हमारे लिए राष्ट्रभाषा पहले है, हमारे लिए हमारे लोगों का हित पहले है। ये पद तो आते जाते हैं, पद पद की प्रासंगिकता तब तक है जब तक कि हमारे जो विचार हैं सिद्धांत हैं वो अक्षुण हैं। यदि हमको माँ भारती के लिए समझौता करना पड़ेगा तो उस दिन ऐसा 100 मंत्री पद हम छोड़ देंगे जी, एक मंत्री पद 100 टाइम आई विल बी रिजाइंड। तो कहाँ चाह रहे पांडे जी, कहाँ चाह रहे पांडे जी, नहीं नहीं वाई 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 यू वांट। अरे भाई जब होगा 100-100 चोट सुने, अरे हम बैकवर्ड कमजोर वर्ग के आदमी इसीलिए पांडे जी आप चाहते हैं। अरे 100-100 चोट सुनार की एक ही चोट लो, आप देखते रहिए ना जी, इज्जत होगा तो उस दिन जो है ना आत्महत्या करना मंजूर करेंगे, डर के जीना मंजूर नहीं है बन्ना गुप्ता को।